आपको मेरे को उस नेशनल मोनोपलिस को आइडेंटिफाई करके बैठ जाना है कॉफ़ी कैन स्टाइल और जैसे जैसे इंडिया जुड़ता है आप और मैं छापेंगे पैसे दो साल में सी के एग्जाम्स पास कर गए लोकल ट्रेन में अप एंड डाउन में किताब पढ़ पढ़ के इवन इफ आधे कंपनीज बर्बाद निकले आप फिर भी मोटा रिटर्न कमाओगे तो हमने कुछ कॉफ़ी कैन स्टॉक्स दिए थे एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बना के दिया था आ, दो की बात है छः साल हो गए किताब छपे हुए जिस गो बैक रीड दैट बुक एंड सी द स्टॉक इन इट राइट मेरे को ताजु होता है आज भी वो पैसा दवा के पैसा बना रहे हैं राइट right? वो कंपनीज बना रहे हैं एक्चुअली मार्केट शेयर और मोनापली के कुछ लेन देन है नहीं इफ टिम कुक के साथ अगर आपने इंटरव्यू किया वो आपको कुछ, वो ये नहीं बताएंगे। कुछ और कुछ अलग क्वालिटी के बादाम होंगे जो शायद हमारे हाथ नहीं लगते ये बड़े लोग ही खा जाते हैं इनका दिमाग हमारे दिमाग से डबल स्पीड पे दौड़ता है दो चार ये मजे मजे में निकाल लेते हैं हाईएस्ट पिंग जॉब्स भी को मिलती है और बड़े बड़े बिजनेस भी यही लोग करते हैं ये लोग स्टॉक पिक कर ले तो मल्टी हम पिक कर ले तो मल्टी कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता सौरभ मुखर्जी की स्टोरी सुन के आपको ऐसा लग सकता है ही इज अ वेल नोन फिगर इन फाइनेंस वर्ल्ड एंड फॉर ग्रेट रीजन लंडन में अपने करियर के इनिशियल पीरियड के बाद

ये ऐसी बुक्स हैं जिसको पढ़ के आप क्वाइट लिटरली अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाएंगे एंड अपनी वेल्थ बनाने के चांसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं तो मैं फिर से निकला मुंबई के लिए सौरभ से बात करने एंड सच बताऊं तो थोड़ा गिल्ट आ गया ही वर्क्स सो हार्ड आई वाज ब्लोन अवे बाय हिज सिम्प्लीसिटी क्लैरिटी ऑफ थॉट हिज हंगर फॉर नॉलेज एंड फोकस ये वो बादाम है जो हम भी खा सकते हैं अगर चाहे तो

काफी तो मेरे खुद के ही हैं। इस पॉडकास्ट में सौरभ ने यह भी बताया कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं, क्यों उनका process rock solid है, and फिर भी काफी लोग इन्वेस्टिंग को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं सो आई एम मनी माइंडेड मंदीप वेलकम टू क्रेड जागरूक टॉक्स सीजन टू एपिसोड फोर विद सौरभ मुखर्जी लेट्स सो लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ वॉट वॉज योर चाइल्ड हुड लाइफ वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग जिसने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में उसका लाइफ इज दैट डिफरेंट फ्राम अदर पीपल्स लाइफ सबका लाइफ मोटा मोटी सिमिलर होता है क्लास पीपल इन मार्सलिस्ट तो हम वेस्ट डेली में बड़े हुए एंड यू नो सेंट कलम्बो स्कूल जाते थे मदर मैथ्स टीचर थी <laughs> फादर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इंजीनियर थे <coughs> बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास चाइल्डहुड थी जब हम क्लास टेन में एंटर किए उसके शॉर्टली देर आफ्टर माँ बाप यू माइग्रेट कर गए सो so, ये नाइनटीन नाइन्टी की बात है तो पंद्रह साल की उम्र में यू uh, के चले गए वहाँ पे फिर बाकी स्कूलिंग ख़त्म की बट वहाँ पे भी बहुत ही मिडिल क्लास लाइफस्टाइल था लंदन के एक सबक में रहते थे फ़ादर uh, वहाँ पे इंजीनियर बन गए एक नॉर्वेजियन कंपनी में और मदर वहाँ पे पहले शॉप शॉप असिस्टेंट थी और फिर वहाँ पे पब्लिक सेक्टर जॉब ले लिया मेरे मदर ने तो बहुत ही नॉर्मल सा मिडिल क्लास का चाइल्ड हुड है कुछ उसमें अस्वाभाविक नहीं है तो जैसे मैं बचपन में मुझे मम्मी बोलती थी कि तू डॉक्टर बनना मुझे भी पता नहीं था डॉक्टर क्या होता है तो मुझे भी डॉक्टर बनना था आपको भी कुछ ऐसा बनना था नहीं वैसे मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज वैसा एस्पिरेशन तो डॉक्टर इंजीनियर का नहीं था पार्टली बिकॉज मेरे डैड इंजीनियर थे आईआईटी के थे मेरी डैड की तमन्ना थी कि मैं भी आईआईटी आई जाऊँगा बट फॉर वॉट एवर रीजन जैसे होते, गरेवल, होता है पर्सन में सो बिकॉज मेरे डैड चाहते थे मैं आई टी तो मैंने डिसाइड कर लगा मैं आई तो कभी जाऊँगा कुछ भी कर लो आई तो जाना नहीं है एंड यू नो क्लास एट क्लास नाइन्थ में बहस होता है घर में कि ये बच्चा अगर इंजीनियरिंग पढ़े नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा कहाँ पे जॉब मिलेगी उसको सो थैंकफुली अब हम यूके चले गए लंदन चले गए वो डिसीजन कुछ हद तक मेरे माँ बाप के हाथ से निकल गया दे गॉट बिज़ी ट्राइंग टू फिक्स देयर लाइफ इन द यू तो मैं स्कूल में जाके मैंने फिगर आउट कर लिया कि इंजीनियरिंग तो करना नहीं है क्या क्या, क्या दूसरे चॉइसज़ हैं तो वहाँ पर स्कूल में अलग अलग टीचर से बात करके समझ आया कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है Uh, मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता है हिस्ट्री अच्छा लगता है और इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो वहाँ पर आप इस प्रकार से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो तो मैंने वैसे ही स्कूल में सब्जेक्ट जो मेरे को अच्छे लगे चूज़ कर लिए थैंकफुली दैट वर्कड आउट नंबर वम्बर अच्छे आए और उस बेसिस पे लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गई हमको आपने कितना सटल लिया नंबर वम्बर अच्छे आए एंड आई अकॉर्डिंग टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सच में उतना कुछ अन्यूजल uh, नहीं है वहाँ पर मतलब बिकॉज़ यू गेट टू चूज़ आप, आपको क्या अच्छा लगता है राजा दैन जैसे होता है ना इंडिया में एटलीस्ट अगर मैं इंडिया में दिल्ली में कैरी ऑन करता क्लास इलेवन में मेरे को मेरे ख्याल से घर घर से मजबूरन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता से द एम पार्ट आई लाइक केमिस्ट्री से बेहद मेरे को बेहद फोबिया है <laughs> अभी, अभी भी जब हम स्पेशल्टी केमिकल्स कंपनी में निवेश करते हैं वो केमिकल के नाम uh, हमारे एनालिस्ट बोलते हैं कि ये कंपनी फलानी केमिकल बनाती है सो so, मेरे को तो कैसे मेरे को क्लास एट नाइन के केमिस्ट्री क्लासेस याद आता है कैसा एक <laughs> शारीरिक सड़क एक, एक डिस्कम्फर्ट फील होती है बट थैंकफुली हम हम उस सिस्टम में उस सिस्टम से मैं निकल गया और जिस प्रकार के सब्जेक्ट अच्छे लगते थे वैसे चुने एंड आई लाइक आई एन्जॉयड रीडिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज सो पाँच छः साल की उम्र से नॉन स्टॉप किताबें पढ़ता था तो वो किताबें पढ़ने का हैबिट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में बहुत लाभदायक रहता है क्योंकि वहाँ पर आप रट के एग्जाम नहीं दे सकते तो एग्ज़ाम में आपका पूरा दिमाग का आपके प्रोसेसिंग पार का अच्छा टेस्टिंग होता है वेर एज़ काफ़ी हद तक हमारा जो एटलीस्ट मैं जो सी बी एस ई सिलेबस पर पढ़ता था वहाँ पे रटने का बहुत बड़ा फोकस है सो वो रटने वाले सिस्टम से निकल के बहुत मज़ा आया और वहाँ पे जो क्लास 11, ट्वेल्व है यू में पढ़ाई भी करता था जॉब भी करता था और ऐसे जैसे बोला नंबर अच्छे आ गए तो एडमिशन मिल गई एल में तो एल uh, एस में जाने के बाद आपको uh, पहले से पता था दैट यू वुड गेट इन टू इन्वेस्टिंग नहीं एक्चुअली मेरे को तो पता भी नहीं था इन्वेस्टिंग होता क्या है स्टॉक मार्केट क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है क्योंकि नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स आर फ्राम फाइनेंशियल बैकग्राउंड और लंडन में भी हम जिस प्रकार का मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल लीड करते थे हमको कुछ मार्केट्स या फाइनेंस के बारे में कुछ खबर भी नहीं थी एल एस में होते जब मैं एल में था तब अलग अलग प्रकार के एसेट मैनेजर रिक्रूटमेंट के लिए आते थे वेरियस इन्वेस्टमेंट बैंक आते थे इनफैक्ट अजीब इतफाक है कुछ uh, दो तीन इन्वेस्टमेंट बैंक ने मेरे को जॉब ऑफ़र भी दिया जब मैं एल में था बट मेरे को इतना ही कम पता होता था कि ये होता क्या है मैंने लिया नहीं मेरे को लगा पता नहीं ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या चीज़ होती है स्टॉक ब्रोकिंग क्या चीज़ होती है तो उस ज़माने के जो मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक थे उन्होंने जॉब ऑफर भी दिया बट उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई ये नहीं करना मेरे को uh, मेरे को इकोनॉमिक्स आता है मैं इकोनॉमिस्ट बन जाता हूँ सो आई बिकेम एन इकोनॉमिस्ट वहाँ का एक आ, मेरे एक एल के प्रोफेसर ने एक इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी कंपनी खोला था वो प्रोफेसर आज भी हमारे मार्सल्स की गाइड है उनका नाम है जॉन के आ, आ, हमारे लिए हम, का, काफ़ी कुछ जॉन ने सिखाया है तो जॉन ने कंपनी खोली थी लंडन इकोनॉमिक्स तो वहाँ पर मैंने मेरे को जॉब मिल गई मेरे को बहुत खुशी हुई कि जॉन के एक कंपनी में जॉब मिली एंड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जॉब तो वहाँ पर उन लोगों ने मेरे को यू का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उनके ऑफिस में भेजा एक साल काम करके उनका रूल बुक बनाने के लिए तो मैं तब बाईस या तेईस साल का हूँ मेरे को वहाँ पे भेजा गया तो जब मैं फाइनेंशियल रेगुलेटर के वहाँ पे एक साल काम करने गया तो उस फाइनेंशियल रेगुलेटर के वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त बन गए तो एक दिन वहाँ पे एक दोस्त अभी भी दोस्त है निकोला आर नाम की लड़की वो और हम बैठ के लंच खा रहे थे तो निकी ने बोला कि तेरे को पता है सी क्या होता है मैंने बोला ये क्या चीज़ है मेरे को तो पता भी नहीं सी सेट तू बहुत अच्छा कर लेगा ये तू सी एग्ज़ाम कर ले तेरा तेरा काफ़ी अच्छा एप्टीट्यूड है इन्वेस्टमेंट के बारे में सो आई हैड नो आइडिया इन्वेस्टिंग क्या होता है स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है सिक्योरिटीज़ रिसर्च क्या होता है या सी क्या होता है सो so, मैंने फिर घर जाके गूगल किया उस जमाने में मोबाइल पर आप गूगल नहीं कर सकते थे टू थाउजेंड नाइनटी नाइन टू थाउजेंड की बात कर रहा हूँ तो मैंने सी एफ ए का सिलेबस डाउनलोड किया मैंने बोला ये तो बढ़िया है मैं तो कर सकता हूँ स्टैट्स है मैथ्स है वो तो आसान है और फाइनेंस अकाउंटिंग समझना है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा अकाउंटिंग बट कर लेंगे और अकाउंटिंग और मैथ्स को जोड़ के वैल्यूएशन बन जाती है तो फिर तो मैं क्या करता था लोकल ट्रेन में सुबह शाम सी एफ ए के किताब पढ़ता था और उस प्रकार से तीन साल में दो साल में सी एफ ए के एग्ज़ाम्स पास कर गए लोकल ट्रेन में अप एंड डाउन में किताब पढ़ पढ़ के तो फिर जब सी एफ ए का एग्जाम पास कर गए तो तब हम तब तब समझ आया कि इन्वेस्टिंग क्या होता है तो पहली बार स्टॉक मार्केट में तब जॉब मिला 2003 2003 नवंबर में एक्चुअली ओके बट सर uh, जैसे आपने बताया कि आपने एल से ग्रेजुएट होने के बाद सी किया राइट right? वो भी एक फ्रेंड के सजेशन पे हमारे मतलब इंडियन कल्चर में तो ये होता है कि, कि किसी ने चार साल की डिग्री कर ली आ आ। तो वो रिजिड हो जाए जैसे आप भी थोड़ा बहुत रिजिड थे कि मुझे इकोनॉमिक्स आता है आई शुड बिकम एन इकोनॉमिस्ट जी आ। वैसे यहाँ पे रिजिडिटी रहती है कि अब मैंने इतना चार साल लगाए हैं वाई शुड आई परस्यू अदर डिग्री आ आ। आपने नहीं सोचा है सर नहीं सो रिजिडिटी की मेरे को कभी जिंदगी में रिजिडिटी की कोई जगह नहीं लगी राइट सर पार्टी बिकॉज आई यू नो आई सॉ माई पेरेंट्स टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ राइट माई माई डैड वर्क इन थ्री डिफरेंट कंट्रीज टू हेल्प द फैमिली ऑन लिविंग माई मम वर्क इन वराइटी ऑफ जॉब्स प्लस आई ग्रो अप्रॉडर जो जॉइंट फैमिली में लोग हैं uh, वो तरह अलग, अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते थे किताबों की भरमार थी घर में सो uh, so, तब भी उन्हें मेरे को निकला आज भी नहीं लगता है कि रिजिडिटी की कोई जगह है आज आज जिस प्रकार का दुनिया जिस प्रकार के वर्ल्ड में हम जीते हैं जहाँ पे आ, दुनिया कॉम्प्लेक्स है एंडलेस अमाउंट ऑफ नॉलेज और रिसोर्स हमारे पास है एनी बडी हुज कि मैंने मैथ्स पढ़ा है तो मैं मैथामशन ही बनूंगा और यही मेरी ज़िंदगी का कारण मकसद है वो थोड़ा सा बेचारा रह जाएगा अगर जैसे आपने बोला कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिस्ट ही रह जाता और वही मेरी ज़िंदगी की शुरुआत और अंत होती तो काफ़ी सैड होगा गया अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ा है और अकाउंटेंट ही बनोगे या अकाउंटिंग का ही इस्तेमाल करोगे आगे और कुछ नहीं सीखोगे तो काफ़ी सैड है क्योंकि दर इज़ इट्स ए दर इज़ सो मच टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड बी नॉलेज के रिसोर्सेज इतने आसानी से आज उपलब्ध हो जाते हैं कि इंसान को अपने आप को हमेशा पुश करना चाहिए एंड दैट समथिंग आई ट्राई टू डू फ्रॉम द टाइम आई लेफ्ट कॉलेज कि हर हर दस साल अपने आप को पूरा एक नई चीज़ में धकेल दो okay. एक ऐसा नया चीज़ जहाँ पे पहला एक दो साल बहुत डिस्कम्फर्ट हो बहुत टफ लगे बट फिर तीसरे चौथे साल में आप उस नई चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज बनाने लगोगे और दसवें साल तक आप उसके मास्टर बन जाओ और फिर दसवें साल में फिर से रीसेट बटन दबाओ फिर से डिस्क्रप्शन का बटन दबाओ और आगे बढ़ो सीखते रहो उस प्रकार से मज़ा भी आता है ज़िंदगी इंटरेस्टिंग भी रहती है कॉम्प्लेसेंसी कम होती है लेजीनेस का एक एहसास नहीं होता एंड यू नो यू स्टे हम्बल यू स्टे कीन यू स्टे हंग्री टू लर्न मुझे लगता है आपने पूरा कंक्लूजन अभी बता दिया <laughs> कि अगर हम हर दस साल कुछ नया सीखते हैं तो कुछ ऐसा होता है जैद पुषे जा तो इन्वेस्टिंग आती है नहीं आती इंसान भूखा नहीं मरेगा इंसान के पास पैसा हमेशा होगा राइट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली ये आ, आप यूर लिटल यंगर देन मी तो मैं आपका जनरेशन बोल रहा हूँ बट आपके जनरेशन को ये चीज़ का एहसास मेरे जनरेशन से ज़्यादा है मेरे जनरेशन को मेरे मदर फादर की जनरेशन से ज़्यादा था मेरे मदर फादर की जनरेशन में मतलब माई डैड वॉज बॉर्न इन फोर्टी सेवन सिक्स मंथ बिफोर इंडिपेंडेंस उनकी लाइफ थी ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल राइट सो आई वॉज ग्रोइंग अप इन डेली वेस्ट डेली अबाइडिंग मेमोरी ऑफ चाइल्ड हुड की माँ बाप डिस्कस कर रहे हैं पैसे कितने कम है हमारे पास right. और टोटली पैसे कम है ज़्यादा कमाने की संभावनाएँ भी कितनी कम है राइट सो देर लाइफ वॉज अ टफ लाइफ राइट एंड इन सेवेंटीज एटीज इवन टिल द अर्ली नाइन्टीज इंडिया वॉज कॉन्स्टेंटली इन इकोनॉमिक ट्रबल जिस जिस साल इकोनॉमिक ट्रबल नहीं होता तो किसी प्रकार का राइट साइड हो जाता था राइट सो सो देर लाइफ वॉज अबाउट यू नो रिस्क कम लेना है पंगा नहीं करना सीधा यू you नो know, एक सीधा लकीर की तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है माई जनरेशन सेट जिंदगी में इतना कुछ कर सकते हैं इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं अपॉर्चुनिटीज हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाओ एंड माई जनरेशन सेट दस साल में हर बार रीसेट बटन दबाओ आपके जनरेशन के लिए तो और भी एक्सपोनेंशियल है राइट इन अ कंट्री वेयर जॉब्स आर अ प्लेंटी

Right. वो डर इंसान का चला गया है कि बस right. यही एक ही चीज करना है इधर उधर नहीं देखना वो डर चला गया दैट्स इनक्रेडिबली पॉजिटिव इट विल क्रिएट इट्स ऑलरेडी मेकिंग मेक इंडिया इनक्रेडिबली वाइब्रेंट अप इकोनॉमी जिसका मेरे ख्याल से आज से दस बीस साल में दुनिया में और कोई कंट्री इक्वल uh, नहीं कर पाएगा ओके सो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इन्वेस्टिंग हाँ जी आप ये तो बताते हैं कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए कैसे करना चाहिए मैं सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करूंगा कि किसे नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट इन योर एक्सपीरियंस सो so, उस इंसान को नहीं करना चाहिए जिसमें को पेशेंस के साथ प्रॉब्लम होती है राइट सो सो इफ यू थिंक अबाउट इट राइट हर चीज़ जिंदगी में अगर कोई चीज़ सीख के अगर आप आ, आ, तीन चार साल मेहनत करके सीख के आप फिर निवेश कर रहे हो और आप तीन चार साल आप यूनिवर्सिटी जाके फिर इंजीनियर बन रहे हो एनी थिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड वर्थ वाइल राइट एनी थिंग विच इज़ रिवॉर्डिंग टेक्स एन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट सिमिलरली मेकिंग रिटर्नस राइट वेदर यू इन्वेस्ट योर सेल्फ और वेदर यू गिव योर मनी टू मार्सल टू इन्वेस्ट जनरेटिंग रिटर्न ऑल्सो रिक्वायर्स पेशेंस पीपल स्ट्रगल विद पेशेंस एंड इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू नो एक्चुअली साइकोलॉजी में बहुत सिंपल से टेस्ट हैं जिसमें पाँच मिनट में इंसान की पेशेंस को नाप लिया जाता है पीपल हु विद पेशेंस शुड नॉट ट्राई इन्वेस्टिंग राइट दे शुड गिव दर मनी टू अदर्स आइडियली इफ दे कार्ड गिव दर मनी टू अदर्स एंड दे दुड ट्राई इन्वेस्टिंग बिकॉज पेशेंस के बिना आप इन्वेस्टिंग में आगे नहीं बढ़ सकते इफ दे कांट गिव द मनी टू अदर्स देन आप स्टॉक मार्केट से दूर रहिए आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए पॉन्ड फंड्स कीजिए बिकॉज इन्वेस्टिंग का खेल फंडामेंटली पेशेंस का खेल है इन्वेस्टिंग इज लेस अबाउट इंटेलिजेंस इज मोर अबाउट पेशेंस बट पेशेंस तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए एक और चैलेंज जो आता है कि आप जैसे uh, एक रेनाउंड पी एम एस फॉर्म हो राइट right? आप लोगों का पैसा मैनेज करते हो आपने पैसा ग्रो किया है आपका एक्सपर्टीज़ इज़ नॉट अवेलेबल टू यू नो स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है हाँ जी। वो आप जैसे लोगों का इंटरव्यू देख सकते हैं इस इस इंटरव्यू के माध्यम से हाँ या आपकी बुक्स पढ़ सकते हैं बट कहीं ना कहीं एक वो होलिस्टिक अप्रोच की कमी रहती है जिससे उनको आपके जितना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लेट से आपने भी एच का स्टॉक खरीदा एक मेरे जैसे इन्वेस्टर ने भी खरीदा हो सकता है आपने कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस में और अलग ही रिसर्च करके खरीदा होगा एंड मैंने हो सकता है उतने कन्विक्शन से नहीं खरीदा होगा तो इन दैट केस उनके पास ऐसा कह सकते हैं उनके पास हैंड होल्डिंग के लिए कोई नहीं है वट डू यू सजेस्ट कि उनको क्या करना चाहिए फिर ठीक है तो 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 जो आपने सवाल पूछा ना इसके दो अलग अलग डायमेंशन है तो मैं इसको क्रिकेट के उदाहरण से मैं इसको टीज आउट करता हूँ तो पहला सवाल इस स्किल की बात है तो जैसे आप और मैं क्रिकेट देख सकते हैं हम देखते हैं कि विराट कोहली वटैवर सिक्सटी रन्ज मार रहा है थर्टी बॉल्स में पाकिस्तान के विरुद्ध राइट right? हमको भी पता है कि यू नो छक्का कैसे मारा जाता है और चौका कैसे मारा जाता है बट uh, मेरे केस में अगर बॉलर 140 तो छोड़िए 110 पे भी 110 किलोमीटर पे बॉल करेगा मेरे को बॉल दिखेगी भी नहीं राइट आई नो फुल वेल सिक्स मारते कैसे हैं बट आई सिंपली डोंट हैव द स्किल द रिफ्लेक्सेस

वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन आर बुक्स इन आर वेबिनार्स सारे वेबिनार फ्री हैं बुक्स आ, आ, मार्केट में उपलब्ध हैं आ, हमारे न्यूज़ लेटर्स फ्री हैं हम सिंपल बनाने की चेष्टा करते हैं पूरी प्रयास है हमारी कि लोगों को समझाया जाए क्या करते हैं बट जस्ट बिकॉज वी एक्सप्लेन डट सिम्पली डज इन मेक इट ईजी जस्ट बिकॉज विराट कोहली इज गिविंग यूट्यूब दरा वीडियोज़ यूट्यूब वीडियोज ऑन विराट कोहली का टेक्निक डज इन मीन टमोरो मॉर्निंग यून आई कैन स्टार्ट बैटिंग लाइक कोहली तो पहला डायमेंशन उस स्किल वाला है दूसरा डायमेंशन मानसिकता के बारे में है राइट right? वो पेशेंस वाला एलिमेंट राइट सो अगेन टू यूज अ क्रिकेटिंग एनालॉजी ऑल ऑफ एवरीबडी न्यू दैट राहुल द्राविड का गेम राहुल द्राविड का गेम हेंजेज अराउंड पेशेंस राइट कीप ब्लॉकिंग बॉल्स कीप वेयरिंग द बॉलर डाउन टिल द बॉलर सिंपली हैज नथिंग लेफ्ट टू गिव एंड देन यू स्कोर एट ईज एंड द्राविड इज बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट बैट्समैन ही इज़ वन मोर टेस्ट बैचेज फॉर इंडिया सबको पता है कि द्राविड का गेम पेशेंस पर हिंस करता है एंड येट देर इज नो no सेकेंड राहुल द्राविड राइट right? right. चित्तेश्वर पुजारा कुछ हद तक पास आ पाता है बट इज़ नॉट अ द्राविड राइट होल कंट्री नोज वन पॉइंट फोर बिलियन पीपल नो दैट पेशेंस इज वॉट मेक्स राहुल द्राविड अ ग्रेट बैट्समैन बट पेशेंस इज सो स्केर्स राइट कि राहुल द्राविड इकलौता है राइट mm तो -hmm. right? so, दूसरा देफल डायमेंशन हमारे लाइन में भी मानसिकता है सबको पता है कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस का बहुत बड़ी अहमियत है हम लिखते रहते हैं वॉरन बफेट जी बोलते रहते हैं लेकिन बोलने से <laughs> क्या होता है पेशेंट्स पेशेंट्स का कोई विटामिन टैबलेट की तरह तो है नहीं right. कि आप सुबह ले लोगे तो ये दो अलग अलग पहलू हैं एक तो स्किल का पहलू दूसरा पेशेंट्स का पहलू बोथ ऑफ दीज आर ईजी टू एक्सप्लेन बट हार्ड टू डू सो इज दैट वाई यू थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गवा देते हैं मोर ऑफन देन नॉट बिल्कुल सो इट्स रिटेल इन्वेस्टर पैसा गवा देते हैं बिकॉज वो स्किल वाले एलिमेंट में इशू है वो कुछ हद तक उनके uh, 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 un, un, पास वो स्किल होता नहीं ना है ना मानिए वो हमारे सारे किताबें पढ़ लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर लिया वो सब करने के बाद फिर अगर पेशेंस नहीं है तो वहाँ पे वो मार खा जाते हैं ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट कोई साजिश चलाई जा रही है काफ़ी काफ़ी जब मैं देखता हूँ या आ, आ, लोगों से बात करता हूँ उनको लगता है कोई साजिश चलाई जाती है डैट इसको पैसा नहीं बना रहे देंगे वैसा कुछ नहीं होता रिटेल इन्वेस्टर नॉट मेकिंग मनी इज़ सौरभ मुखर्जी गोइंग इन टू क्रिकेट ग्राउंड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान और जब बॉल नहीं दिख रही सौरभ मुखर्जी बोलता अरे ये तो मैच फिक्सिंग है right. ये बॉल कुछ गलत डाल रहा है दिख ही नहीं रही मेरे को राइट right? वास्तव में मैच फिक्सिंग नहीं है सौरभ मुखर्जी सिंपली डजेंट हैव द स्किल टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान और 140 किलोमीटर की बॉल मेरे को दिखेगी नहीं गेंद दिखेगी नहीं right. तो कुछ हद तक रिटेल इंडस्ट्रीज का वही बीतती है बट उनको उनके मानसिकता से लगता है कि मेरे अगेंस्ट कोई साजिश लगाई गई है सो एज अ रिजल्ट हमने क्या किया काफ़ी सालों से हमने सोचा कि इसका क्या तोड़ है क्या कर सकते हैं जिनके लिए जो 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 लोग पचास लाख नहीं दे सकते आ, आ, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं सो so, एक हमने रेगुलेटरी लाइसेंस ली अलग से आ, तीन महीने हो गए मार्सल्स ने बियॉन्ड द पी लाइसेंस हमने एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का भी लाइसेंस लिया है और उम्मीद है कि अगले दो हफ्ते में हम अनाउंस कर पाएंगे okay. कि जिनके पास पचास लाख नहीं है उनके लिए मार्सल्स क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है तो so, uh, थोड़ा सा पेशेंस रखिए दो मीन बाय द टाइम पर आपका इशो एयर होगा अब तो पेशेंस प्रूव करना पड़ेगा बाय द टाइम आपका इशो एयर होगा होपफुली हम अनाउंस कर पाएंगे तो, तो लाइसेंस प्राप्त हो गई है फाइनल एक टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग चल रहा है इनफैक्ट आज आज कल में टेस, टेस्ट टेस्ट ट्रेड्स हो रहे हैं अगर ये टेस्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो गए तो फिर पब्लिक में अनाउंसमेंट हो अगले दो हफ्ते में करेंगे कि जिनके पास पचास लाख नहीं है वो मार्सल आप कि नॉलेज का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ग्रेट ग्रेट तो so, सर आपने बात करी अभी कि रिसोर्स बहुत सारे हैं कम्पेयर टू फिफ्टीन ईयर अगो आज सीखने के रिसोर्स बहुत सारे हैं एंड काफ़ी रिसोर्स फ्री भी हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्टेंट डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है हम भी फाइनेंस कॉन्टेंट बनाते हैं तो एक तो ये इसका प्रो है कि कंटेंट फ्री है रिसोर्सेज फ्री हैं कोई भी सीखना चाहे सीख सकता है बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक इससे नुकसान भी होता है और होता है तो कैसे आई so, थिंक दो अलग पॉजिटिव uh, so, यू कैप्चर्ड नाइसली दैट आपके जनरेशन के पास जो नॉलेज की उपलब्धि है वो uh, मेरे मेरे जनरेशन के पास उतनी आसानी से नहीं थी डाउनसाइड क्या है आपके जनरेशन के पास टाइम बर्बाद करने के भी तरीके बहुत ज़्यादा हैं राइट सो सो आई आई सी इट इन यू नो सो मैंने विक्ट्री प्रोजेक्ट नाम की किताब लिखी थी एक्सप्लेनिंग हाउ अ लॉट ऑफ पीपल एंड वेस्टिंग अप्री फोर आवर्स ऑफ द डे कम yeah. से कम ऑन ऑन देयर फोन्स राइट एन हमारे ऑफिस के युवा को भी देखता हूँ मैं हमारे ऑफिस के यंगस्टर्स वॉक अराउंड करते हैं पता नहीं क्या उनको लगता है फ़ोन के अंदर कौन सा भगवान छुपा हुआ है उनका सर फोन के अंदर घुसा हुआ, हुआ होता है राइट तो तो बियॉन्ड द फैक्ट दैट यू नो एनी एनी ऑनलाइन विल कंटेन एंटरटेनमेंट एज वेल एज फाइनेंस का नॉलेज आई थिंक सोशल मीडिया इज एन इमेंस डिस्ट्रैक्शन राइट सो सो द एबिलिटी टू फोकस योर माइंड राइट बिकम्स अ वेरी पावरफुल स्किल इन दिस एंड द एबिलिटी टू फोकस योर माइंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम On say a daily basis, and you know, if you're working in a full-time job, the ability to use the weekend yeah. and use say solid 9-10 hours of the weekend to 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 increase your increase your mental strength becomes a superpower. So right. availability of everything, a knowledge, bhi hai, entertainment, or time-wasting content ka bhi hai. the ability to focus on the high-quality content and then just push yourself every day. to drink from that high quality content rather than doing useless things like you know social mediaing your uh, your day out and spending your time you know uh, text messaging, whatsapping, email वो एक चीज बहुत difficult हो गया है uh, and and जो इंसान आज की इराद में अपना time को इस्तेमाल intelligently करता है अपने दिमाग को focus करके सीखता है वो person आज की इराद में super super star बन जाता है hundred uh, percent agreed sir uh... दो थॉट्स आए इससे मुझे हाँ जी एक बुक है अटामिक हैबिट्स हाँ जी हाँ जी उसमें उन्होंने लिखा था कि लोगों को लगता है कि कोई बहुत सक्सेसफुल है जैसे आप सक्सेसफुल हैं तो लोगों को लगता है कि अरे दिन के अठारह 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 घंटे मेहनत करी होगी पढ़ाई करी होगी नो no डाउट करी है वॉरेन uh, बफेट जी ने बहुत रिसर्च करा होगा बहुत रिच एक्सपीरियंस है तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे बट हाँ हाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि ऑल दोज सक्सेसफुल पीपल स्पेंड लेस टाइम इन टेम्प्टिंग सिचुएशंस Uh, उसने uh, उन्होंने बहुत एक एग्ज़ाम्पल अच्छा बताया कि एक शॉपिंग मॉल में जब आप कैश काउंटर पे भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे टॉफ़ी वगैरह पड़ा हुआ दिखता है सोडा पड़ा हुआ दिखता है आपको नहीं लेना था बट क्योंकि वो दिख गया तो अब आप अपने माइंड को मना लेते हैं ठीक है चेंज नहीं है तो टॉफी दे दो सोडा पड़ा है तो ले लो बट वो उसी एक रिसर्च ने प्रूव किया कि अगर सोडा की जगह हम पानी की बॉटल भी रख देंगे तो पानी का सेल्स भी बढ़ जाएगा राइट right. तो वी डोंट मेक डिसीजंस कॉन्शियसली हमारे सामने जो होता है वो हो जाता है nice. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था mm -hmm. मेरा लाइफ का मैंने 32 केजी वेट लॉस किया था वापस बढ़ा लिया wow. अभी मत देखना आप <laughs> वापस बढ़ा लिया बट nice. जब मैंने वेट लॉस किया था तो मेरी किचन में ओट्स प्रोटीन शेक प्रोटीन बार ये सब पड़ा रहता था right. और मैंने रियलाइज़ किया वो बुक पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब जब मेरा बढ़ा है वेट तो मेरी किचन में नमकीन और पापड़ पड़े होते हैं वेरी गुड नाइसली फुट, नाइसली फुट, सो सो आई थिंक द एबिलिटी टू एबिलिटी टू डिसिप्लिन योर सेल्फ एंड ट्रेन यूर सेल्फ एंड इफ यू डू दैट यू एट एन अर्ली एज देन बाई द टाइम यू गेट टू माई एज खाने के बारे में बात नहीं कर रहा खाने में मैं भी कल्पबल हूँ लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ बाय द टाइम यू गेट टू माई एज तो फिर वो आपका जिंदगी का पैटर्न ही होता है कि सुबह so, पाँच बजे से लेकर रात को दस बजे तक hmm. आप दिमाग को धकेल ही रहे हो दैट्स योर लाइफ दैट्स ऑल यू नो राइट राइट तो आप मेरे को बोलो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट राइट ट्राई मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि आप मेरे को बोलो वीकडे शाम को इवन सैटरडे संडे को पिक्चर देखो hmm. मेरे को ये पिक्चर देखने का <laughs> कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि कोई बैठ के पिक्चर कैसे देखता है राइट right? आप मेरे को बोलो तेरे पास नब्बे मिनट है यू कैन आइदर वॉच यू नो कोई पिक्चर बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी हो या नब्बे मिनट में ये दो पॉडकास्ट सुन के तो अपने दिमाग को आगे धकेल सकता है आई विल ऑलवेज चूज़ द पॉडकास्ट अगर मैं अगर मैं पूरा मेरे दिमाग को नींद भी आ रही है मैं पॉडकास्ट शुरू शुरू करूंगा सो आई फाइंड वेरी हार्ड टू अभी तो यानी चार साल में शायद एक बार मैं सिनेमा हॉल गया हूँ oh. पार्टली कोर्ट गुर। सिनेमा हॉल जाके मेरे फैमिली में रनिंग जोक रहता है कि ये तो पहले आधे घंटे में ही घर चला जाएगा क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कैसे मैं बैठ के हिंदी पिक्चर कितनी होती है डेढ़ सौ मिनट का होता है राइट हाउ हाउ कैन आई गिवन फिफ्टी मिनट्स ऑफ माई लाइफ टू वॉचिंग अ मूवी क्या पे ऑफ है उसका मेरे मेरे लिए राइट right? मेरे को समझ नहीं आता सो सो फूड पे मैं जस्ट जस्टस गिल्टी हूँ एज यू सजेस्टेड मैं भी उसी उन्हीं इंसान में हूँ जो थोड़ा जंक ले लेता ज़्यादा बट uh, uh, वो टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में थोड़ा सा लाइफ सुधर गया है सो so, मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में uh, काफ़ी क्लोजली वॉच करता हूँ जैसे हमारे दो दो घंटे के डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं ना <laughs> यू विल यूल सीन डोमेस्टिक फ्लाइट बेरली वन आउट ऑफ फाइव पीपल विल बी पुशिंग दे ब्रेन फोर आउट ऑफ फाइव पीपल विल बी वॉचिंग वही कुछ सीरियल शीरियल राइट एंड यू नो सबके पास वही और मोटा मोटी सेम एक्सेस है राइट सबके पास मोटा मोटी सिमिलर स्मार्टफोन है सेम कॉन्टेंट है बट एंड इट्स नॉट देर मैंने मार्शल्स में पॉलिसी बना रखी है बट मार्शल्स के लोगों ने कभी डोमेस्टिक फ्लाइट पे वो पिक्चरें या ओ टी टी देखते नहीं दिखता मैं देखता हूँ कि इधर पॉडकास्ट चालू हो जाता है या के या हाथ में किताब होती है तो वही एग्जांपल हुआ कि आप आपका मार्शल का एनवायरनमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो आपको पुश करता है टुवर्ड्स तो प्रोडक्टिविटी हाँ जी वे मेरे माँ बाप को मैंने ऐसे ही देखा दैट्स वॉट दे डिड राइट इवन इन द एटीज़ किताबों से भरपूर अगर अब हम करते हैं क्योंकि हमने हमारी आदत उन्होंने बनाई लास्ट uh, वीक अब किताब हमारे घर में पढ़े हुए हैं तो मेरा बेटा पंद्रह साल का है अब वो भी करता है उसी ने मेरे से लास्ट वीक एटॉमिक हैबिट दिखाया क्योंकि बुक शेल्फ है वो बोला अब पढ़ना चाहिए क्या मैंने बोला हाँ पढ़ना चाहिए तो फिर मैंने पूछा कहाँ पर पढ़ेगा इसलिए फुटबॉल मैच खेलने हम हमारी स्कूल जा रही है सूरत जा रही है तो बस में तीन घंटा या चार घंटा होगा जाने के टाइम आने के टाइम तो मैं पढ़ लूँगा तो मैंने कुछ नहीं बोला मैंने बोला ठीक है राइट सो सो यू मॉडल योर सेल्फ ऑन वॉट यू सी इन द वर्ल्ड अराउंड यू अगर इसलिए अगर आप अच्छे संगत में हो uh, तो आपको वो हैबिट्स रब ऑफ करेंगे और अगर आप अच्छे संगत में नहीं हो देन फाइंड अच्छा संगत यू विल सी योर लाइफ विल चेंज वेरी क्विकली वेरी राइटली बुट बुक्स में तो मेरा भी थोड़ा हाथ ऐसा है <laughs> I, I, I आई वोंट से आई डू माई बेस्ट बट आई ट्राई टू रीड बुक्स बिकॉज आई नो द इम्पोर्टेंस मुझे वो चमकता है कि क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए थोड़ा स्ट्रगल रहता है मैं आपको एक फैक्टर देखता हूँ तो आ, इंडिया में बुक्स की सेल कोविड के बाद ज़बरदस्त बढ़ी है एंड मैंने सोचा था कोविड के बाद थोड़े दिन बढ़ेगी बिकॉज लोग घर में लॉकटॉप हैं बट लॉकडाउन के बाद भी सस्टेन कर रहा है राइट इट्स वेरी इंकरेजिंग कि लोगों को अच्छे हैबिट्स आ रहे हैं लोगों को समझ आ रहा है एट इन अ लार्ज फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे सरकार आपके लिए माए बाप बन के नहीं खड़ा हुआ इन अ लार्ज फ्री मार्केट इकोनॉमी सीखो ट्रेन करो दिमाग को आगे बढ़ो खूब कमाओ mm. uh, वो आई थिंक वो मैसेज आप लोगों के आप जैसे लोगों के थ्रू वो मैसेज वो बाहर जा रहा है एंड एक एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रहा है रीडिंग के बारे में लर्निंग के बारे में true, true. Uh, सर अब थोड़ा सा इन्वेस्टिंग स्टाइल्स पे इन्वेस्टिंग स्टाइल पर मैं बात करूँगा आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आपकी mm. एक बुक भी बहुत फेमस है उसमें आपने क्राइटेरिया बताया था कि अगर आप इस क्राइटेरिया से स्टॉक्स पिक करते हैं एंड उसमें आ, उनको बाय करके भूल जाते हैं विच इज़ टू पुट इट इन इन एन इमेजिनरी कॉफ़ी कैन इफ़ यू विल तो वो वेल्थ बनाते हैं आगे जाके वाई डू थिंक ये क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू थिंक क्राइटेरिया बहुत रॉक सॉलिड है और अगर है तो ये कैसे और क्यों काम करता है तो क्राइटेरिया रॉक सॉलिड है ये देखने के लिए आप लोग बहुत ईजी चीज़ कर सकते हो तो इस क्राइटेरिया का हमने पहली बार इंडिया में जिक्र किया था आ, हमारे 2016 किताब अनयूजल बिलियनर्स में ठीक है तो तो हमने कुछ कॉफ़ी कौ कैन स्टॉक्स दिए थे एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बना के दिया था दो हज़ार की बात है छः साल हो गए किताब छपे हुए दिस गो बैक रीड दैट बुक एंड सी द स्टॉक्स इन इट राइट मेरे को तजुब होता है आज भी वो पैसा दबा के पैसा बना रहे हैं राइट वो कंपनीज बना रहे हैं राइट एंड एंड इफ यू और आई एनी बडी हैड बॉट दैट बुक

आर द इन्वेस्टिंग ऑफ लुकिंग एट अ बैट्समैन एवरेज एंड स्ट्राइक रेट राइट सो इवन इफ इन अन क्रिकेट एक्सपर्ट आपको पता है कि एक बैट्समैन की क्वालिटी गेज की जा सकती है उसकी एवरेज कितनी है और right. उसकी स्ट्राइक रेट कितनी है तो विराट कोहली इन इवन इन टी ट्वेंटी एवरेज इज समिफ्टी प्लस एंड स्ट्राइक रेट आई थिंक एक सौ तीस एक सौ चालीस आ रेट रिमार्केबल नंबर सिमिलरली इंडिया में अच्छी कंपनीज़ की आर ओ सी कंसिस्टेंटली पंद्रह के आगे होती है और रेवन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली डबल डिजिट होती है तो हमने बोला दस साल लगातार राइट तो ये जो क्राइटेरिया इट्सल्फ है ये बहुत बहुत तगड़े कंपनीज़ को खींच के निकालेगा जिनकी संख्या टिपिकल दस साल के साइकिल में पंद्रह से ज़्यादा कंपनी इंडिया में मुश्किल से मिलते हैं okay. ये क्राइटेरिया को मीट करना से क्राइटेरिया इट्सल्फ ड लॉड ऑफ हैवी लिफ्टिंग बहुत सारा मेहनत ये क्राइटेरिया कर देता है मानो आप बी के सिलेक्टर हो mm. आप

ऑबियस फायदा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन इसका एक मोर सटल फायदा है um, मानिए मैंने दो स्टॉक लिया hmm. स्टॉक ए और स्टॉक बी अस्यूम दैट मेरा कुछ वजह से जो मानो स्टॉक बी के प्रमोटर जी की अनटाइमली डेथ हो गई स्टॉक बी गोज जीरो इन द फर्स्ट ईयर मानिए स्टॉक ए गिव्स यू ट्वेंटी सिक्स परसेंट कंपाउंडेड ओवर टेन ईयर्स राइट तो आपने मेरे को सौ रुपए दिए पचास रुपये मैंने स्टॉक बी में लगाया वो तो रातों रात पाँच साल में या एक साल में जीरो हो गया स्टॉक बी अंडा हो गया स्टॉक ए में 50 पचास का पाँच सौ right. आपका सौ मैंने पाँच सौ रुपये कर दिया दस साल में विच इज़ अठारह परसेंट कंपाउंडिंग यू गॉड ओनली वन स्टॉक राइट राइट बट आपको अठारह परसेंट सो वट आई एम गेटिंग एट इस जब आप एक पोर्टफोलियो ऑफ अच्छे कंपनीज़ लेते हो इवन इफ आधे कंपनीज़ बर्बाद निकले आप फिर भी मोटा रिटर्न कमाओगे बिकॉज द गुड कंपनीज वर लेट वर 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 अलाउड टू रिप फॉर टेन ईयर्स तो कॉफी कैन के तीन बड़े बड़े स्ट्रेंथ्स हैं द क्राइटेरिया इट सेल्फ ऑफ हैवी लिफ्टिंग दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी तीसरा द द एबिलिटी इन अ इन अ वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो ऑफ द ग्रेट कंपनीज टू मोर देन मेकअप फॉर द डैमेज कॉज्ड बाई पुअर कंपनीज सर आपने एक और अप्रोच बताई थी आ, आपकी आई हर्ड वन ऑफ योर टॉक्स एक एग्जाम्पल दिया था आपने कि एक विलेज में मान लीजिए कोई स्मॉल वेंडर है एक मैन हाँ 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 है हाँ जी, हाँ वो बहुत पैसा कमा रहा है क्योंकि विलेज के सारे लोगों को वही दूध सप्लाई कर रहा है बट हाँ हा। सरकार ने रिफॉर्म बनाया एन uh, ने रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बना दिया एंड अब वो विलेज कनेक्टेड है विद अ वेरी गुड क्वालिटी रोड आपने ये बोला कि जैसे ही वहाँ विलेज को रोड से कनेक्ट करेंगे बड़े प्लेयर्स ऑर्गेनाइज प्लेयर्स वहाँ पे एंटर करेंगे एंड वो मिल्कमैन की जो मनोपली थी वो ख़त्म हो जाएगी एंड वो बिजनेस तब तक ही फ्लरिश कर रहा था फ्लरिश कर रहा था जब तक कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी हाँ जी तो इन अ वे एक गवर्नमेंट रिफॉर्म से बहुत सारे बिजनेस क्रश भी होते हैं और बहुत हाँ। सारे बिजनेस फ्लरिश भी करते हैं सो इन दैट सेंस क्या हमें फिर बेगर uh, पिक्चर पे फोकस करना चाहिए कि देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग किन सेक्टर्स से, या इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगी एंड फिर उस उस सेंस में क्या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स एयरेलीवेंट है तो uh, करना भी चाहिए और ना भी करना चाहिए तो मैं समझाता हूँ क्रिकेट का से लेके <laughs> तो uh, जैसे uh, हम लोग जब मैच देखते हैं तो कॉमेंटिटर बोलते हैं आज का कंडीशन स्विंग बॉलिंग के लिए हेल्पफुल uh, है या स्पिन बॉलिंग के लिए हेल्पफुल है तो वो हो गया मैक्रो राइट राइट कॉमिटेटर मैक्रो के बारे में वेदर स्पिन पिच कंडीशन एक्सेट्रा के बारे में बात कर रहा है राइट वंस यू आर गिवन द मैक्रो उसके उसके बाद भी प्लेयर की स्किल की अहमियत है राइट इवन एना इवन आई रिमेंबर इन द नाइंटीज वेन इंडिया यूज टू टूर इन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड राहुल द्राविड सेंचुरी मारता था hmm. बाकी हमारे प्लेयर ऐसे हवा में बैट घुमाते थे राइट सो सो मैक्रो दोनों के लिए सेम था स्विंग hmm. हो रहा है स्पिन हो रहा है बट द्राविड स्किल वुड प्रिवेल ठीक है तो तो इवन इन्वेस्टिंग में भी मैक्रो की अहमियत है और माइक्रो की ओवरऑल uh, सरकारी रिफॉर्म्स की अहमियत है माइक्रो की लेकिन अगर मेरे को बैटिंग आती ही नहीं है मतलब टेस्ट क्लास बैटिंग ड्राविट क्ला की क्लास की या कोहली की क्लास की मेरे को बैटिंग आती ही नहीं है दर इज़ नो पॉइंट माई सेंग हाँ ये कंडीशन तो स्विंग के लिए हेल्पफुल है तो अब मैं बैटिंग करता हूँ बिकॉज right. वो स्विंग के लिए हेल्पफुल हो या स्पिन के लिए अगर मेरे को ऊंचे लेवल पे खेलना आता ही नहीं है इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग मैक्रो सिमिलरली निवेश में निवेश की जो स्किल सेट है अगर आपको वो आता ही नहीं है राइट स्पेशली पेशेंस फॉरेंसिक एनालिसिस राइट अगर आपको निवेश के स्किल सेट्स नहीं आते मैक्रो जान के आप करोगे क्या राइट राइट लोग क्या होता है लोगों को मैक्रो आसान लगता है तो वो लगता है चलो अभी इकोनॉमिक रिकवरी चालू होने वाली है हम ये पाँच स्टॉक ले लेते हैं और क्या होता है मीडिया में जो डिस्कोर्स है वो इस प्रकार का खोखला सोच इनक्रेज करता है कि मीडिया में आप सोशल मीडिया में टीवी में देखो कोई बोलेगा कि ऐसा हो रहा है इकोनॉमिक साइकिल ऊपर जा रही है नीचे आ रही है इंटरेस्ट रेट ये हो रहा है वो हो रहा है और जो बेचारे लोग देखते हैं उनको लगता है अरे इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं उसका मतलब ये तीन स्टॉक बेच दो वो दो ले लो दैट्स लाइट्स लाइक सौरभ मुखर्जी सेंग कि मेलबर्न में अभी बाउंसी ट्रैक है और ठंड है तो ये पाँच प्लेयर को खिला दिया जाए फौरव मुखर्जी हैज़ नो आइडिया अबाउट टॉप लेवल क्रिकेट बट उसकी जो टिप्पणी है वो उसको लगती है कि ये कमाल की टिप्पणी है तो मैक्रो इम्पॉर्टेंट है बट अगर आपको माइक्रो नहीं आता अगर, अगर स्टॉक लेवल एनालिसिस नहीं आता तो मैक्रो आपके लिए बेकार है सर आ, गौ, सिर्फ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ही नहीं बल्कि कई बार कई बार कंट्री में कुछ अलग रेवोल्यूशन आते हैं जैसे 2016 में जियो आया हाँ जी टू फिफ्टी फाइव रुपीज़ पर जी बी आई वॉज पेइंग फॉर रिचार्ज थ्री जी इंटरनेट उसके बाद जब जियो आया इन ये भी कह सकते हैं रोट अलिंगड इन पोस्ट अबाउट इट कि उससे मेरा करियर लॉन्च हुआ था क्योंकि मेरे घर पे ब्रॉडबैंड नहीं आता था एंड एयरटेल uh, की स्पीड बहुत कम थी एक जी बी बहुत जल्दी खत्म हो जाता था वन आई गॉट वन जी बी इंटरनेट फॉर एट रुपीज़ और वो भी ऐसी स्पीड जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी उससे मैं ये कह सकता हूँ कि वहीं से स्टार्ट हुआ एंड वी आर नाउ एट यू नो थ्री पॉइंट फाइव मिलियन सब्सक्राइबर्स लेबर लॉ एडवाइजर पैदा हुआ ग्रो हुआ सब कुछ हुआ अच्छा घटा सब अच्छा अच्छा हुआ सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ मिलियंस ऑफ अदर बिजनेसेस एंड मिलियंस ऑफ़ पीपल के साथ हुआ बिल्कुल तो क्या 2016 में डिड यू फोरसी दिस कि ऐसा कुछ होगा एंड बहुत सारे बिजनेस फ्लरिश करेंगे तो uh, तुम्हारे जो हमारे प्रीवियस जॉब था वहाँ पे हम स्ट्रेटिजिस्ट uh, थे तो एक ब्रोकरेज के सीईओ थे तो उसके साथ साथ हम स्ट्रेटिजिस्ट भी थे तो 2014-15 में हमने काफ़ी सारे मोटे मोटे रिपोर्ट लिखे अखबार में भी कुछ आर्टिकल लिखे इस मुद्दे पर कि जिस प्रकार से इंडिया में जैसे आपने बोला सड़कें बन रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इलेक्शन 2014 में हुई और सड़कें बनने का प्रक्रिया 2000 कुछ हद तक पहले हो रहा था यूपीए के अंडर भी हो रहा था बट वो सड़, सड़कें बनने का प्रक्रिया एक्सेलरेट हुआ आ, इंडिया आने के बाद साथ ही साथ नंदन लेकनी जी ने दो में आधार शुरू किया था और नरेंद्र मोदी ने आधार के ऊपर जनधन डाल दिया Uh, साथी साथ ही साथ रघुराम राजन जी जो हज़ार टू ट्वेंटी थर्टीन सेप्टेंबर में आरबीआई गवर्नर बने उन्होंने कुछ आरबीआई uh, 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 में रिफॉर्म शुरू किया स्पेसिफिकली बैंक्स का झूठ बोलना uh, रघुराम राजन जी ने रोका बंद किया तो हमने दो हज़ार चौदह पंद्रह सोलह या तीनों साल बड़े बड़े रिपोर्ट छापे कि ये जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है नरेंद्र मोदी का रघुराम राजन का और टेक्नोलॉजी का राइट right, जियो का ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर हमने समझाया कि इस प्रकार की निवेश ऐसे uh, हालात में Uh, सक्षम रहेगी सक्सेसफुल रहेगी यू कुड आर्ग्यू दैट वॉज द मेकिंग ऑफ माई करियर इन इंडिया इट यू कुड ऑल्सो आर्ग्यू दैट वॉज द बिल्डिंग ऑफ आर फिलोजफी कि जब कंट्री जुड़ रहा है आपने दूध वाला एग्जाम्पल दिया बिल्कुल स्पॉट वन दिया जब कंट्री अप हो रहा है नेटवर्क हो रहा है छोटा प्लेयर साफ हो जाएगा नेशनल नेशनल मोनोपलीस उभर के आएंगे आपको मेरे को उस नेशनल मोनोपलीज़ को आइडेंटिफाई करके बैठ जाना है कॉफ़ी कैन स्टाइल और जैसे जैसे इंडिया जुड़ता है आप और मैं छापेंगे पैसे जैसे जैसे छोटा प्लेयर खत्म होता है बड़ा प्लेयर राइज करता है सो स्पीकिंग ऑफ यू नो फाइंडिंग नेशनल मोनोपली कई बार क, कई बार ऐसा होता है कि अभी देर इज़ नो क्लियर मोनोपोली देर इज नो क्लियर लीडर उस केस में वट डू वट डू यू सजेस्ट कि नहीं देखना चाहिए या कुछ अलग अलग नहीं जहाँ पे अगर आपको अगर अगर आपको अगर आप रिटर्न कैपिटल देखो जहाँ पे भी आप देखोगे कंपनी की आर ओ सी पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पचास है ऑलमोस्ट इनोविटिवलीज अ मोनोपोलिस्ट जिस दैट वो अपना मुंह बंद रखता है तो हमारे देश में क्या होता है काफ़ी लोग सोचते हैं कि मोनोपोली मतलब मोटा मार्केट शेयर एक्चुअली मार्केट शेयर और मोनोपोली के कुछ लेन देन है नहीं मोनोपोली मतलब वो वाली कंपनी जो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बीस तीस 40 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है प्राइस उसका प्रीमियम है लेकिन उसके बावजूद कोई भी कस्टमर उसको छोड़ के दूसरे पे नहीं, दूसरे नहीं, 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 नहीं जा रहा उसको कहते हैं मनोपली बाई डेफिनेशन अ सक्सेसफुल कंपनी विल बी अ मनोपली बट इतना ही होगा कि वो मीडिया में आके या ब्रोकरेज कम्युनिटी के सामने जैसे मैं बात कर रहा हूँ नहीं करेगा वो कुछ दूसरी कहानी राम कहानी सुनाएगा रहे रहे। कि हमारी सक्सेस वस, उस उस वजह से है, और हमारे देश में लोग डिक्टेशन लेने में बहुत माहिर हैं तो वो उसका बकवास छापेंगे ओके सो अब जब तक मीडिया में आएगा तब तक ट्रेन छूट चुकी है नहीं मीडिया में मीडिया में सत्य आएगा ही नहीं अच्छा। सत्य क्या है कि कंपनी ने इस प्रकार का ढांचा बना लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने आईफोन लेके बैठा हूँ राइट mm -hmm. right? ये फोन प्रीमियम मतलब मेरे पास तो सस्ती आईफोन है mm -hmm. बट जो आजकल के युवा आईफोन फोर्टीन लेके घूमते हैं राइट mm -hmm. right? उनके पास महंगी आईफोन है राइट करीबन डेढ़ लाख का भाव है फ्रॉम वोट आई नो इट्स अ गुड ट्वेंटी थर्टी फोर्टी मोर एक्सपेंसिव दैन एनी अदर मोबाइल फोन एंड येट आप किसी एप्पल के फैन से बात करो वो तो किसी भी हालत में एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदेगा नहीं right. तो आपके लिए मोनोपलिस बन गया एप्पल इसका नतीजा क्या है एप्पल की आर uh, Apple एप्पल की आर 25 के आसपास है hmm. और एप्पल दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट का करीबन मेरे ख्याल से 80 प्रतिशत प्रॉफिट राइट right. एप्पल ही कमाता है right. तो सोचिए इतने सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, एक ही कंपनी 80 परसेंट स्मार्टफोन का प्रॉफिट घर right. ले आता है बट इफ़ यू इफ टिम कुक के साथ अगर आपने इंटरव्यू किया वो आपको कुछ वो ये नहीं बताएंगे कुछ और ग्राम कहानी <laughs> सुनाएंगे और यू you नो know, वही ग्राम कहानी फिर मीडिया में दोहराई जाएगी राइट अगर अगर हम अगर मार्शलर्स एप्पल को एनालाइज़ करेगा मार्शलर्स के एनालिस्ट बारीकी से समझेंगे कि एप्पल कौन सी चीज़ें करता है क्या क्या एप्पल करता है जो उसके कॉम्पिटेटर्स के लिए करना असंभव है राइट कौन सी चीज़ें जैसे आपने एच बैंक की बात की हमारे पोर्टफुलियम एच डी बैंक कौन सी चीज़ें एच बैंक करता है जो उसके कॉम्पिटेटर्स के लिए करना असंभव है या एशियन पेंट्स करता है या पीडेलाइट करता है या फाइन ऑर्गेनाइज करता है राइट एंड दैट दैट बिकम्स बिकम्स द एनालिस्ट जॉब द एनालिस्ट जॉब इज नॉट टू सी द कंपनी इन द वे द वर्ल्ड सीज इट राइट इट्स टू सी द कंपनी इन द वे द कंपनी डज नॉट वॉन्ट यू टू सी इट लाइक दैट राइट एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कौन मोनापोलिस्ट है कौन नहीं है और फिर मोनापोलिस्ट खरीद के आप बैठ जाते हो एक डिस्क्लेमर देता हूँ ये सारे स्टॉक्स जिनका जिक्र कर रहा हूँ ये सारे मेरे माँ बाप के पास है मेरे पास है हमारे दस हज़ार क्लाइंट्स के पास है तो आ, आ, जो हुएवर एवर लिस्टिंग आपको समझना चाहिए वेस्टेड इंटरेस्ट है मेरे को इन स्टॉक्स के बारे में बात करने में ठीक है सर फाइनली लास्ट लास्ट क्वेश्चन उसके बाद मैं आपको पक्का जाने दूँगा <laughs> uh, आपने uh, कहीं ना कहीं बोला है मैंने आपका एक वीडियो देखा था दैट डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज़ हमें ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन से हमारा फ़ायदा होता है बट आपका इस पर थोड़ा कॉन्ट्रेव व्यू पॉइंट है आपका मानना यह है कि इक्विटी में ही वेल्थ बनती है तो क्या आपका ये मानना है कि इक्विटी में हंड्रेड अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए या सिर्फ आप ऐसा करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए बट एक रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ जी तो देखिए दो लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन मल्टी एसेट्स राइट तो हमारे देश में जैसे आपने बोला काफ़ी लोगों को समझाया जाता है मेरे ख्याल से गलत समझाया जाता है कि आप कुछ एक्विटीज uh, भी ले लो कुछ रियल एस्टेट भी ले लो कुछ गोल्ड भी ले लो कुछ बॉन्ड्स भी ले लो uh, कुछ अगर आप uh, रईस इंसान हो कुछ प्राइवेट एक्विटी वेंचर कैपिटल भी ले लो बेसिकली फैला दो अपना राइट इन आर ऑफिस भी से रायता फैला दो और फिर आप पूजा करना शुरू कर दो प्रेयर करो कि मा, मालिक बचा लो मेरे को मैंने सारा अपना रायता फैला दिया है राइट एज योर चकल सजेस्ट यू यू कै नॉट पॉसिबली मेक मनी ला दैट राइट आप चारों तरफ पैसा फैला दोगे आप इंडिया में बॉन्ड्स खरीदोगे आप कितना कमाओगे आप भारत सरकार टेन ईयर बॉन्ड यील्ड है साढ़े सात परसेंट इन्फ्लेशन आपके मेरे लिए कम से कम साढ़े सात है राइट तो आफ्टर आप भारत सरकार टेन ईयर बॉन्ड लीड्स तो नहीं सकते न्यू दैट मीन्स रियल टर्म्स में अंडा आप फ्लैट खरीदोगे रेंट लील्ड होगी डेढ़ दो परसेंट कैपिटल अप्रिसिएशन भगवान जाने कब आएगी शायद आपके मेरे 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 बच्चों के जनरेशन में आएगी मेरे जनरेशन में तो कैपिटल अप्रिसिएशन दस साल से आए नहीं तो वो डेड एसेट हो गया आप फिर वो कुछ होते हैं पॉलिसी होते हैं कुछ जीवन संघर्ष हाँ कुछ जीवन संघर्ष जीवन कुछ कुछ ऐसा होता है राइट right? वो लोगे उसमें भी शायद पाँच छः परसेंट मिलता है दैट्स लास्ट आई हर्ड राइट तो वहाँ पे भी डेड एसेट है तो मोस्ट डाइवर्सिफिकेशन इज़ बेसिकली इंटेंडेड टू मेक यू ज़ीरो मनी बिल्कुल बट उसमें क्या होता है ज़ीरो मनी में ना आपको लगता है यार मैं मैं लुटा नहीं यार मैं, मैं लुटा नहीं, मैं नहीं मैंने जीवन संघर्ष किया वही संघर्ष चल रहा है अभी भी मैंने फ़्लैट ली गुरुगांव में अभी फ्लैट तो है ना फ्लैट तो है फ्लैट तो है अब उसकी फ्लैट की रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म में वैल्यू बेशक 40 परसेंट घुस गई है बट <laughs> फ्लैट <toh> right? <laughs> तो है राइट तो तो उससे लोग बहुत संतुष्टि होती है इट इज डिस्ट्रक्टिव राइट माई पेरेंट्स जनरेशन डिड इट वेन आई वॉज अ चाइल्ड इन वेज डेली आई थिंक बिकॉज वी आर बंगालीज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंस तो हम लोग ऐसे बर्बाद होते हैं राइट देन आई रियलाइज इट डजेंट मैटर वेदियर बंगाली पंजाबी मारवाड़ी मराठी सब लोग इंडिया में ऐसे बर्बाद होते हैं ये प्रकार का एक ड्रेनलेस इन्वेस्टिंग करके बर्बादी का एक एक ढांचा बनाया जाता है जो जिसमें स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास पिस्ता है राइट ये चारों तरफ स्प्रे एंड प्रे हम बोलते हैं तो तो हमने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में क्या बोला जो हमारी किताब है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में दैट इफ यू इफ यू आर रिलेटिवली यंग ऑल द वे बिटवीन योर एज एंड ऑल द वे अप टू माई एज इवन अ लिट ओल्डर देन मी द ओनली लॉजिकल वे टू इन्वेस्ट इज टू पुट मैसिव चंक ऑफ योर वेल्थ इन अ गुड एक्विटी पोर्टफोलियो अगर आपको गुड एक्विटी पोर्टफोलियो मतलब मार्सलर्स या पी करने की आपके पास सुविधा नहीं है आप ट्रैकर फंड ले लो राइट बट डू नॉट फॉर क्राइज सेक्स प्रे योर मनी राइट सो द सिंपलेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट इज आपका आप एक रेनी डे फंड बनाओ पहले कि अगर मानिए मेरे लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गया कोई कलेमिटी आ गई तो मेरे को एन हर केस माई वाइफ एंड माई केस तीन साल का लिविंग एक्सपेंस हम हाँ एक एफ में रख देते हैं कि कोई भी लाइफ में कैलामिटी आ गई सो एनुअल एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लाई में हमारे केस में थ्री किया है आप शायद टू करो अच्छा। कोई दूसरा कोई शायद चार करें वो एक रेनी डे फंड बना लीजिए बाकी बाकी जो पैसा है वो सारा इक्विटीज़ में डालिए अगर आप हमारी किताबें पढ़ के पोर्टफोलियो बना सकते हो तो वेल एंड गुड मार्सल्स को अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड नहीं कर सकते तो ट्रैकर फंड ले लीजिए पांच बिप्स में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ट्रैकर फंड भीज थे उस पर डालिए फॉर क्राइस सेक्स डू नॉट स्प्रे एंड प्रे राइट बिकॉज फिर आप प्रेयर ज़्यादा करोगे पैसे कम बनेंगे आपके सो so, uh, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट uh, से बहुत सारे यू uh, एस में जब लोग दो के समय जिनका रिटायरमेंट का समय चल रहा था देयर वेल्थ गॉट वाइप आउट बाई फोर्टी फिफ्टी परसेंट ईजिली सो इन दैट केस हाउ डू यू सजेस्ट कि हंड्रेड मतलब हंड्रेड परसेंट नहीं चाहे जितना भी इक्विटी में डालना है बट हाउ टू हाउ टू सक्सेसफुली यू नो कीप दैट वेल्थ हाँ जी तो देखिए फिर आप दो हज़ार आठ में अपने आप आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो गिरामानी कोई अमेरिकन का दो हज़ार आठ में जो भी साठ सत्तर परसेंट कनेक्शन आई थी एंड दैट पोअर फेलो रिडीम्ड राइट राइट एंड दैट पोअर फेलो रिडीम्ड देन आई अग्री विथ यू इसके रिटायरमेंट भारी भयंकर धक्का है बट प्रोवाइडेड दैट पर्सन स्टेड इन्वेस्टेड थ्रू लीमन राइट right? मार्च 2009 में रिकवरी शुरू हुई प्रोवाइडेड दैट पर्सन स्टेड इन्वेस्टेड देर 20 ईयर कैगार स्टार्टिंग इन द लेट 90s टू दिन डे और मानो उनका 30 ईयर कैगार उनकी रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में विल बी अ सॉलिड मिड टीन्स नंबर 15 इन डॉलर टर्म्स होगा विच इज अ ट्रिमेंडस आउटकम पंद्रह इन डॉलर टर्म्स अगर आप रूल ऑफ सेवेंटी अप्लाई करो मतलब हर पाँच साल हाँ आपका वेल्थ डबल हो रहा है ठीक है तो तो प्रोवाइडेड यू डेंट लूज योर नर्व एंड सेल एट द हाइट ऑफ लीमन यू डेंट लिक्विडेट योर इक्विटी पोर्टफोलियो द हाइट ऑफ लीमन द सब्सिक्वेंट इलेवन ईयर स्टॉक इलेवन क्या थर्टीन ईयर स्टॉक मार्केट रिकवरी वुड हैव मोर देन कम्फर्टेबली सॉर्टेड यू आउट एंड वो सेम टिप्पणी इंडिया में भी अप्लाई करती है अगर आप इक्विटीज़ में डाल रहे हो जैसे मैं आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि डालो Uh, आपको फिर फोर्टीच्यूड दिखाना है ऐसा नहीं कि कोविड पैनिक में बाकी लोग बेच रहे हैं आप भी आ, आप भी बेताशा होकर बेच रहे हो बैक टू यूजिंग क्रिकेट यू है यू हैव टू बी अ द्राविड टू बी अ इन्वेस्टर यू हैव टू शो फॉर्टीच्यूड एंड पेशेंस अगर आपके पास फोर्टीच्यूड एंड पेशेंस है तो आप इक्विटी मत कीजिए आप आप उस पर एंड पे कीजिए राइट राइट तो यू मी किस प्रकार का इंसान एक्विटी इन्वेस्टर नहीं नहीं बन सकता जिसके पास फोर्टीच्यूड एंड पेशेंस है उसके लिए एक्विटीज़ की बस नहीं आएगी True. उसके लिए ये बॉन्ड फंड एंड एफ एंड रियल इस्टेट एंड यू नो एंडमेंट पॉलिसी इस प्रकार की चीज़ें ही बेस्ट है क्योंकि uh, uh, उसका मेंटल माइंड सेट एक्विटीज़ के लिए सेट uh, नहीं है सो so, इसका क्या इसका मतलब फिर ये भी हुआ जैसे मान लो मुझे आपको मान लो आज रिटायर होना है आपका पोर्टफोलियो है अच्छा खासा बन रहा था बट सडनली कोविड क्रैश आ जाता है मान लीजिए तो डू यू आर यू ट्राइंग टू से कि सारा का सारा पैसा इंसान को रिटायरमेंट पे चाहिए ही नहीं होता नहीं होता तो ना ऐसा बा तो नहीं तो तो कि ये ये बहुत है राइट प्लस एंड थिंक अबाउट इट फर्दर नो आपके हमारे सोशल डाटा में पीपल आर लिविंग टिल द एज ऑफ एटी फाइव मानी साठ पे रिटायर किए पचासी तक आप लिव करोगे तो आपका एक्चुअली रिटायरमेंट यू नो इज़ वन ऑफ दोज ऑफ ऑप्टिकल नंबर आपको तो और पच्चीस साल जी आपकी कंपाउंडिंग बरकरार रखनी है मानी आपने जैसे आप बोल रहे हो साठ की उम्र में सारा एक्विटी लिक्विडेट करके सारा पैसा एफडी में ले लिया ठीक है एफडी में कितना मिलता है छः परसेंट राइट छः छह साढ़े पाँच राइट नेट ऑफ टैक्स मिलेगा मानिए चार मिलता है मानिए जनरलली मानिए नेट ऑफ टैक्स चार मिलता है मानिए इन्फ्लेशन छः परसेंट है कंजर्वेटिवली राइट सिक्सटी ईयर ओल्ड पच्चीस साल जिंदगी में आगे है चार का एफ का रिटर्न नेट ऑफ टैक्स छः परसेंट हर साल दो से वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स सेवेंटी परसेंट ऑफ है वेल्थ विल बी वाइप्ड आउट तो बाई द टाइम यू डाई यूर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट गारंटी टू बी बैंक राफ्ट बिल्कुल राइट सो कोई भी इंसान अगर सिक्सटी की एज में अपना सारा इक्विटी तोड़ के एफ डी कर लेगा उसकी बर्बादी ऑलमोस्ट निश्चित है सो लॉजिकल so, है कि जितना आपको लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए उतना तोड़िए बाकी पैसा इक्विटी में रखिए बिकॉज आपको अभी भी 25 साल आगे बढ़ाना है ट्रू सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको आपके भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली वेल्थ बिल्ड की है आपने भी बिल्ड की है डू यू थिंक लोग वेल्थ बिल्ड करने के बाद भी अनहैप्पी रहते हैं देखिए वेल्थ और हैप्पीनेस का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से है नहीं स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया ऑब्वियसली बीइंग पुअर इज इज टफ इन एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया बट वंस यू वंस यू गेट बियॉन्ड से मिडिल क्लास पर अपर मिडिल क्लास लाइफ मेरे ख्याल से कोरिलेशन टूट जाता है uh, uh,

साठ पैंसठ सत्तर पचहत्तर पे भी दिमाग चाकू की तरह भागता है और एक लर्निंग की जो एक लर्निंग की जो एक प्रक्रिया होती है जो हैबिट होती है बहुत भयंकर होती है उनमें सो द पीपल लड आई मीट वालप्पी द द पीपल लीस्ट इंटरेस्टेड इन लीस्ट इंटरेस्ट लीस्ट इंटरेस्टेड इन मनी वो बहुत पैराडॉक्सिकल right. लगता है right. तो मैंने काफ़ी सोचा विक्ट्री विक्ट्री प्रोजेक्ट में इसके बारे में कुछ लिखा एक उम्मीद है अगले साल भी इस मुद्दे पर एक किताब लिख पाऊँगा कि जो पैसे के बारे में सबसे कम सोचता है वो सबसे हैप्पी होता है एंड ये आपको नहीं लगता ये बिल्कुल गरीबी में भी ट्रू होता है कि अगर किसी ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है तो फिर उस चीज़ के बारे में वरी नहीं करते एंड यू नो प्रॉब्ली होता होगा बट क्या है कि गरीबी में इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे सरकार आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही तो आपको फिर आपकी फैमिली की लाइफ आपकी खुद की लाइफ काफ़ी वनरेबल हो जाती है पढ़ाई लिखाई हेल्थ एट्सेट्रा काफ़ी एक मुद्दा बन बन जाता है देर आई थिंक अ सर्टन लेवल ऑफ wealth is required for a decent existence in india beyond that the less you think about money the more money you will make right and lastly ऐसी क्या चीज है middle class लोगों के बारे में not uh, not rich people but middle middle class ya the struggling employee salaried class कि अगर वो एक चीज ये समझ जाएं जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती होगी I don't know कि इनका जीवन आसान हो जाएगा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो लोगों का जीवन ऑब्जर्व करते हो उनका पेशेंट्स लेवल भी आई एम श्योर आपको पता रहता होगा क्या चीज़ है जो वो रोज दे फेल टू तो अंडरस्टैंड बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आई थिंक जो जो मेरे को जिंदगी जो मेरे को सीख मिली है कि द वर्ल्ड ट्रीट्स पीपल काइंडली इफ दे मेक द एफर्ट द ट्रेवल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राइट जितना हम जज्बाती सोच में सपनों में उट पटांग में जूझ जाएंगे जितना हमारी दुनिया की समझ दुनिया से डिविएट करेगी right. उतरी जिंदगी में दिक्कतें आएंगी राइट right. सो right? so, जैसे आपने शुरू में बोला कुछ रिटेल निवेशक लगता है साजिश चल रही है उनके खिलाफ राइट दैट्स अम ऑफ्स पैरानोया सो द मोर यू हैव पैरानोइड्स और फैटसीज राइट यू हैव पैरानोयटसीज द मोर यूर थिंज अनरियलिस्टिक दार्डर फाइंड इट टू मेक मनी और इंडी यू फाइंड इट हार्ड टू डू एनी थिंग इन लाइफ वेदर यूट मैरिड और यू वॉन्ट डीसेंट जॉब द मोर यू हैव सर ऑफ यू नो पैरानोयाज एंड फैंटेज द हार्डर इट इज़ एंड द मोर यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कोइनसाइड विथ रियालिटी आपकी सोच और रियालिटी मिलती जुलती है ज़िंदगी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आसान बन जाती है सो स्पीकिंग ऑफ मैरिज डाई थिंक बहुत मोस्ट मिडिल क्लास लोगों का लाइफ मैरिज की वजह से उनका जो रिटायरमेंट प्लान है वो मीट नहीं हो पाता है या वेल्थ नहीं बिल्ड हो पाती है द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड ऑन वेडिंग्स अच्छा नहीं वो तो कोई लॉजिक नहीं लगता मैं तो खर्चा ही नहीं किया शादी पे ना तो मेरे <laughs> माँ बाप ने किया ना तो मेरे वाइफ के माँ बाप ने किया ना तो किसी को उम्मीद थी कि शादी पे खर्चा होगा वाई वी वॉन्ट स्पेंड ऑन ऑनडिंग वाई यू वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन एनी थिंग वो मेरे को समझ नहीं आया तो हमारी गाड़ी ग्यारह साल पुरानी है मॉल शायद दो साल में एक बार जाता हूँ वाई आई आज दिस क्वेश्चन आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि हमको जैसे फ़ोन में लोग टाइम वेस्ट करते हैं मे बी फोन कैन बी यूज इन प्रोडक्टिव वेज बट बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते दे वेस्ट देयर टाइम अनोइंगली सबकॉन्शियसली एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना दूसरी साइड पे भी है कि YouTube पे आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं जो अमीर लोगों के होते हैं जिसमें रिच लाइफ दिखाया जाता है मेरी गाड़ी है मेरा बंगला है uh, मैं दुबई में जा रहा हूँ ये ये डुबकियाँ लगा रहा हूँ कहीं पर एंड बहुत सारे लोग जिनके सपने होते हैं जो आपने बहुत बहुत सही पॉइंट बोला लोग सपनों में खोए रहते हैं फैंसी वर्ल्ड फैंटेसी वर्ल्ड में खोए रहते हैं वो उस उन वीडियोस को देख देख के ये इमेजिन करते हैं कि क्या पता किसी दिन हमारे साथ भी हो जाए बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आपकी बुक्स अवेलेबल हैं आपके इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर आप स्टेप बाई स्टेप सिखा रहे हो किसी को कि ये सब आपका हो सकता है ऐसा ऐसा करना है उस प्रोसेस को सीखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है हाँ तो देखिए वो जैसा बिगिनिंग नोट एनीथिंग विच टेक्स टाइम एफ़र्ट मेहनत मोस्ट लोगों को करना नहीं होता मोस्ट लोगों को ईजी चीज़ें चाहिए फैंटसीज़ उनके लिए एक राहत है ज़िंदगी से तो अब उनकी उनकी गाड़ी तो आएगी नहीं हाँ जी। और आ, आप कितने भी बीनार बना लो मैं कितने भी किताबें लिख लूँ <laughs> उनकी गाड़ी आएगी नहीं सब उनके बारे में आप और मैं कुछ खास कर नहीं सकते जिन जिनको इच्छा है सीखने की वो आपके वेबिनार्स वॉच करेंगे वो हमारी किताबें पढ़ेंगे और वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे एंड दैट आई थिंक इज ह्यूज पॉजिटिव इन माई पेरेंट्स जनरेशन जिनको इच्छा थी सीखने की वो भी बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते थे राइट राइट एंड इन द मीन टाइम अदर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग जिनको बाहरी दिखावे से खर्चा से फैंटेसी से लगाव है उनकी गाड़ी नहीं आएगी बट दैट इज सच इज़ लाइफ राइट राइट वन पॉइंट फोर बिलियन पीपल हैं उसमें से अगर एक परसेंट भी आपके वेबिनार से प्रभावित हुए और आधा परसेंट भी हमारे किताबें पढ़ लिए दैट्स यू नो टेन्स ऑफ मिलियन ऑफ़ पीपल लाइक करोड़ों लोग जिनकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी एंड दैट्स यू नो दैट्स वॉट मेक्स दिस जॉब वर्थ वाइल दैट्स वॉट मेक्स योर वेबिनार्स वर्थ वॉचिंग थैंक यू थैंक यू सर अब लास्ट में हम वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्या एडवाइस दोगे आई थिंक दिस सेशन इज़ फुल ऑफ एडवाइस मैं आपसे ये पूछूँगा कि आप पिक्चर भी नहीं देखते आप शॉपिंग भी नहीं करते आपकी गाड़ी ग्यारह साल पुरानी है तो आपका कोई तो गल्टी प्लेजर होगा खाने को छोड़ के नहीं तो वो काफ़ी ट्रैवल करने की फ़ैमिली में सबको रुचि है तो ढूंढते इंडिया के अंदर घूमते रहते हैं दुनिया भर में घूमते रहते हैं थैंकफुली बिकॉज ऑफ़ यू नो वेरियस वेबसाइट्स एंड काफ़ी काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है अच्छा। दुनिया का पर दुनिया में भ्रमण uh, करना इंडिया में पर्यटन करना काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है काफ़ी ईजी हो गया है सड़कें uh, का नेटवर्क डबल हो गया है लोकल एयरलाइन ट्रैफिक पाँच गुना बढ़ गया दस साल में सो घूमना काफ़ी ईजी हो गया एंड वी एन्जॉय ट्रैवलिंग तो उस पर थोड़ा खर्चा हो जाता है और बस और कुछ खास आइटम नहीं है खर्चा करने का बाकी <laughs> बाकी पैसा निवेश करते हैं चैरिटी को देने की चेष्टा करते हैं उम्मीद है कि और ज़्यादा दे पाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कॉजेज़ के लिए आ, बस और क्या मिडिल क्लास लाइफ है मिडिल आपका आपका, आपका माइंडसेट एकदम सॉर्टेड है मतलब <laughs> चाहिए लोगों को ऐसा माइंड सेट ट्रूली मतलब मुझे भी चाहिए वो हमारे माँ बाप से मिला है आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं फ्रूगल बैकग्राउंड से आते हैं कुछ खर्चा खर्चा करने की इच्छा नहीं है ना ही कोई फैंटसी है कि मैं भी दुबई में बेंट हाउस में स्विमिंग करूँगा <laughs> वो वो फैंटसी सर ट्रांसलेट होती है हमारे पेरेंट्स में आपके नहीं होती बट मोस्ट मिडिल क्लास लोगों के होती है कि बच्चे लोग तो वो लम्बॉर्गनी वीडियोस देखते हैं बट पेरेंट्स क्या करते हैं वो सेविंग्स कर कर करके वो शादी वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ कि वो सोसाइटी में दिखना चाहिए दैट वी आर केपेबल ऑफ यू नो डूइंग दिस वेडिंग ऑन दिस स्केल सो यू आस्क नो कौन सी एक हैबिट है जो लोगों को बर्बाद करती है एनी थिंग विच इज इंडल्जिंग इन फैंटेसीज इज डेंजरस नॉट नॉट जस्ट बिकॉज आप खर्चा करोगे बट yeah. बिकॉज आपका दिमाग रियलिटी से डिविएट होगा द वर्ल्ड गिव्स यू अवी प्रीमियम टू थिंक रियलिस्टिकली अबाउट द वर्ल्ड जितना आप अनरियलिस्टिक सोचोगे उतनी जिंदगी में उसकी ज़िंदगी में ठोकरें खाओगे थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू फॉर होस्टिंग मी थैंक यू वेरी मच फॉरक्यू आई होप आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अब मैं हूं मनी माइंडेड मनदीप मैं चाहता हूं मेरा पैसा भी बच जाए आप लोगों का भी बच जाए इसीलिए बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिया है क्रेड ऐप का लिंक आज से आप प्रण ले लो कि बिजली पानी राशन सभी टाइप के बिल को क्रेड ऐप से ही पे करना है क्योंकि उसके बदले आपको मिलेंगे क्रेड कॉइन्स जिनको यूज करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम टेक टू कॉस्मेटिक टू फूड आइटम्स पर बहुत सारा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेगा क्रेड ऐप का फंडा एकदम सिंपल है वो जाता है आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को टाइम पर पे करो पूरा पे करो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहे एंड ये करने पर आपको वो शाबाशी आई मीन रिवॉर्ड भी देता है मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड डाउनलोड क्रेड एंड एंजॉय ग्रेट डिस्काउंट्स तो वी जस्ट रैप्ड अप द एपिसोड एंड मंदीप सुबह से भूखा था सौरभ सर से बात करके लगा कि पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है बट एक चीज़ जो सौरभ सर और मैंने दोनों ने अग्री करी कि कुछ जगहों पे पैसे खर्च करने ज़रूरी हो जाते हैं भाई वो भी बहुत मेहनत करने के बाद जब बहुत भूख लगती है <laughs> और इधर जो है दीपक शाय सर का जो एपिसोड है वो लाइव होने वाला है वो अपलोड हो रहा है हम बस इसका वेट कर रहे हैं कि कब अपलोड होगा एंड उसके बाद विल लीव एंड टमोरो विल बी गोइंग टू चेन्नई करना देख हम बहुत करोड़पति लोगों के ऑफिस में हैं वो तो वो डायलॉग सुना ना कि डेढ़ दो करोड़ के लिए मुझे फ़ोन मत किया करो वो ड्रॉर में पड़े निकाल लो तो वो ड्रॉर खोलेगा ना सही में वहाँ दो करोड़ होंगे बहुत दूर है तेरे तेरे आने से पहले ही हटा लिए थे उन्होंने उनको पता है तू आ रहा है तो कहने का मतलब अमीर लोगों के ऑफिस में एकदम नज़ाकत एंड वो जो जो भी एक और उर्दू वर्ड होता है उसके साथ खाना खाना है अफशियों की तरह नहीं खाना है इस इंसान की ना दाढ़ी में फंसावा मिलेगा अभी पांच मिनट बाद बोल दिया तो मैं ध्यान रखूंगा ना <laughs> मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय